नमस्कार दर्शकों, आपके साथ मैं हूं विवेक शर्मा और आप देख रहे हैं उत्तर बंगाल एवं सिक्किम का लीडिंग न्यूज चैनल एसके लाइव। आज के दिनों के समाचार के प्रस्तुत करता है। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। आज के दिनों के मुख्य समाचार। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी आज करेंगी करशंग में प्रशासनिक बैठक। गोजामुमु विनय गुट ने बीजेपी और विमल गुरुंग गुट के 8 व्यक्तियों के विरुद्ध दर्ज कराई एफआईआर। मालदा में आग से 3 घर जलकर राख। बंगाल विधानसभा चुनाव में मोदी होंगे भाजपा का चेहरा। भाजपा सांसद पर हुए हमले के विरोध में सिलीगुड़ी में निकाली गई धिक्कार रैली। अब बढ़ते खबरों की तरफ विस्तार से। करशंग के नया बाजार क्षेत्र स्थित टाउन सार्वजनिक भवन में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आज बैठक करेंगी मुख्यमंत्री ममता बनर्जी। जीटी अध्यक्ष अनित थापा भी रह सकते हैं उपस्थित। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी 5 दिवसीय दौरे के दौरान करशंग पहुंच चुकी हैं। करशंग के जीरो पॉइंट में पहुंचने पर जीटीए के चेयरमैन अनित थापा और गोरखा जनमुक्ति विनय तमंग के समर्थकों ने मुख्यमंत्री का जबरदस्त स्वागत किया है। वहां से मुख्यमंत्री गिद्दा पहाड़ के लिए रवाना हो गई हैं। रात में उन्होंने वहीं पर विश्राम किया। आज सुबह करशंग के नया बाजार क्षेत्र स्थित टाउन सार्वजनिक भवन में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ हुए एक बैठक करेंगे, जिसमें चेयरमैन जीटीए के अनित थापा भी मौजूद रहेंगे। गोरखा जनमुक्ति मोर्चा विनय गुट कालिंपोंग जिला कमेटी की ओर से भारतीय जनता पार्टी और विमल गुरुंग गुट के 8 व्यक्तियों के विरुद्ध कालिंपोंग थाने में एफआईआर दर्ज कराया गया है। पार्टी के प्रवक्ता भुवन बी खनाल ने मंदिर खोला के घटने को भाजपा और विमल गुट के द्वारा मुख्यमंत्री के पहाड़ आने के क्रम में अशांति फैलाने का आरोप लगाते हुए इसे एक षड्यंत्र बताया है। द्वारा एउटा टिभी च्यानलमा जुन किसिमको गोर्खाहरू गोर्खा जातिलाई जुन किसिमको कुरा राखेको थियो भनेको थियो त्यस विषयमा आज पुतला जलाउने कार्यक्रम साथसाथै एउटा विरोध प्रदर्शन गर्ने कार्यक्रममा विशेष गरी सबैजना आज हामी भेला भएको थियौँ भने यसमा मुख्य रूपले घटनाको खुलासा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ आज जुन हामी एउटा पिसफुल्ली तानु दासको स्टेटमेन्टलाई विरोध गर्दैथ्यौँ, यसमा विशेष गरी बिजेपी खेमाका 7-8 जना केही व्यक्तिहरू आए, जसको नाममा हामी थानामा यहाँ एफआइआर पनि लज गर्दैछौँ गरिसकेको छौँ र हाम्रो जो प्रदर्शनकारीहरू थिए उहाँहरूलाई हातापाई गरे र यो कुरोको हामी पुलिस प्रशासनलाई एकदमै अनुरोध गर्छौँ कडाभन्दा कडा हिसाबले एफआइआरको एक्सन लिएको हुनुपर्छ। आज जिटिए क्षेत्र अन्तर्गत 42 नम्बर समष्टि रेली समथार समष्टिमा जुन प्रकारको घटना भयो, जुन प्रकारका प्रदर्शनहरू भयो, त्यसको निम्ति हामी घटनाको विरोध गर्छौँ अनि हामी अत्यन्त दुखी पनि छौँ यो जुन प्रकारको घटना भयो। र विशेष गरेर हामीले अघिदेखि नै 2 साल अघिदेखि नै हामी जबदेखि राजनीतिमा आयौँ त्यति बेलादेखि नै हामीले भन्दै आइरहेका छौँ कि पहाडमा शान्ति स्थापना हुनुपर्छ, पहाडमा गणतन्त्र स्थापना हुनुपर्छ, पहाडमा एउटा राम्रो प्रकारको माहौल बनिनुपर्छ भन्ने हाम्रो टेक हो। अनि विनय तामाङज्यू अनि अनित थापाज्यू सत्तामा आएपछि जिटिएमा आएपछि पहाडलाई एउटा शान्तिको मार्गतर्फ अग्रसर गराउने विकासको मार्गतर्फ अग्रसर गराउने काम उहाँहरूले गर्दै आउनुभएको हो। तर हामीलाई पटक पटक भारतीय जनता पार्टी अनि विमल खेमाका नेतृत्वहरू जसले पटक पटक विभिन्न प्रकारको उत्तेजनाहरू सृष्टि गर्ने विभिन्न प्रकारको बयानबाजीहरू उत्तेजित बयानबाजीहरू जारी गर्ने अनि विभिन्न प्रकारले मानिसहरूलाई उक्साएर युवाहरूलाई उक्साएर नराम्रो बनाउने कामहरू गर्दै आइरहेको धेरै अघिदेखि हो, जो कुरा तपाईँहरूले देख्नुभएको छ। चुनावमा पनि लोकसभा चुनावमा पनि यस्ता प्रकारका घटनाहरू भए, उहाँहरूले आफैले स्वर आफैले घटनाहरू घटाएर त्यो घटनामाथि हामीलाई इन्भल्भ गराउने कामहरू भयो है। तोपदेन भुटियाले यस्तो प्रकारको घटनाहरू अघि पनि गरेको र आज पनि एउटा सुनियोजित षड्यन्त्र भारतीय जनता पार्टी अनि विमल खेमाका नेतृत्वले यो सुनियोजित षड्यन्त्र हो
हामी भन्छौँ यो सुनियोजित षड्यन्त्र हो। उहाँले जानी जानी एउटा कार्यक्रम गर्ने बहना गरेर त्यो कार्यक्रमको बहनामा फेरि पहाडमा उत्तेजना सृष्टि गर्ने, राज्यको मुख्यमन्त्री आएको बेलामा यहाँनिर तमासा लगाउने, यहाँनिर फेरि हिंसात्मक गतिविधि गर्ने एउटा कुचेष्टा फेरि गरिएको छ। मालदामे आग से तीन घर जलकर राख, किसी की हताहत होने की खबर नहीं, गैस सिलेंडर से आग लगने की जताई जा रही है आशंका। मालदा जिले के इंग्लिश बाजार थाने के काजी ग्राम पंचायत के रामेश्वरपुर गांव में बुधवार सुबह आग लगने से तीन घर जलकर खाक हो गए। जानकारी के मुताबिक आज सुबह करीब 9:30 बजे घर में अचानक आग लग गई। आग लगी की खबर मिलते ही दमकल विभाग की एक इंजन मौके पर पहुंचकर आग को बुझाने में जुट गई। बताया जाता है कि दमकल के पहुंचने से पहले ही गाँव वाले आग बुझाने में जुट गए थे। स्थानीय लोगों ने बताया कि गांव के निमाई शाह के घर में सबसे पहले आग लगी और इसके बाद देखते ही देखते आग उसके पास स्थित मंटू बसाक एवं सुबल शाह के घर को भी अपनी चपेट में ले लिया। मौके पर पहुंचे दमकल अधिकारियों ने गैस सिलेंडर से आग लगने की आशंका जताई है। आग लगी में इन घरों का सारा सामान जलकर राख हो गया है और लाखों रुपए के नुकसान की भी बात कही जा रही है। फिलहाल इस हादसे में किसी की हताहत होने की कोई खबर नहीं है। हमें किचु बना के सुनते पेलाम 9:15 रामेश्वरपुर मानिक सारबाई थे गैस सिलिंडार लीक कर बाईटा दो चार बाड़ी पुड़े गए। हाँ हमारा ग्राम पंचायत के जाटे गए जाओ सर के सुनिए विडिओ सर जा सिद्धांत नीबें हमारा करशांग में बंद आम बाटे चाय बागान आज यानी कि 23 अक्टूबर से खुल जाएगा। सिलीगुड़ी के उत्तर कन्या में चाय बागान संगठनों एवं मालिक पक्ष के बीच हुई चाय बागान खोलने पर सहमति बनी थी। सभा के बाद दार्जिलिंग तराई डुअर्स प्लांटेशन लेबर यूनियन करशांग महकमा समिति के अध्यक्ष प्रणाम रसाइली ने बयान जारी कर कहा है कि गोजामू विनय तामंग की पहल के कारण ही चाय बागान खुल पाई है। दागापुर श्रमिक भवन में अम्बटे विषय लेके मीटिंग हुआ था और तीनों पक्ष यूनियन से हम लोगों का आदमी आया था, जैसे दार्जिलिंग तराई डोर्स प्लांटेशन लेबर यूनियन से श्याम प्रधान जी, अमीर अमृत छेत्री जी और SPWC से जज गुरुंग जी, हमारा युद्ध छेत्री जी और तृणमूल से हमारा राजेंद्र राजपूत और ऐसे सब लोग जितना गार्डन का रिस्पॉन्सिबल पर्सन था वो सब आया था और कंपनी की तरफ से स्वयं अनिल बंसल जी आया था और GTA सेक्रेटरी आया था और भुटिया साहब की उपस्थिति में ये LC का जो हमटे बंद था उसके विषय में मीटिंग हुआ और कल से ये गार्डन सुचारू रूप से खुल जाएगा। आज के मीटिंग का फलाफल ये हुआ और जितना भी इश्यूज है जैसे बोनस का इशू था, बोनस का इशू 25 ये नवंबर तक बोनस दिया जाएगा और रहल जो सेंट्रली जिस प्रकार से एग्रीमेंट हुआ है इसी एग्रीमेंट के हिसाब से वो आगे चलेगा। BCCI में अब चलेगी दादागिरी। सौरव गांगुली ने संभाली BCCI अध्यक्ष की जिम्मेवारी, सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित प्रशासकों की समिति हुई भंग। दादा के नाम से मशहूर पूर्व भारतीय कप्तान सौरव गांगुली आज मुंबई में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी BCCI के नए अध्यक्ष का पदभार संभाल लिए। वे BCCI के 39वें अध्यक्ष बने हैं। इसी के साथ 33 महीने पहले सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित प्रशासकों की समिति भी भंग हो गई। गांगुली निर्विरोध चुने गए हैं और वे जुलाई 2020 तक इस पद पर बने रहेंगे। भाजपा सांसद पर हुए हमले के विरोध में सिलीगुड़ी में निकाली गई धिक्कार रैली, मुख्यमंत्री को सिलीगुड़ी में देख जमकर किया विरोध प्रदर्शन। मुख्यमंत्री का पुतला जलाने को लेकर पुलिस व भाजपा कार्यकर्ताओं के बीच हुई धक्का मुक्की। कालिंगपोंग के एक स्कूल में जाने के दौरान मंगलवार को भाजपा सांसद राजू बिष्ट पर हुए हमले के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं ने सिलीगुड़ी में एक धिक्कार रैली निकाली। यह रैली शहर के विनस मोड़ स्थित पार्टी कार्यालय से शुरू होकर विभिन्न सड़कों की परिक्रमा कर वापस विनस मोड़ में आकर समाप्त हो गई। रैली शांतिपूर्वक शुरू हुई और समाप्त भी हुई। रैली के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री गो बैक और तृणमूल के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। वहीं धिक्कार रैली की समाप्ति पर घटना के विरोध में भाजपा कार्यकर्ताओं द्वारा उत्तर बंगाल दौरे पर आई मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाने को लेकर माहौल गर्मा गया। भाजपा कार्यकर्ताओं ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का पुतला जलाने की कोशिश की लेकिन पुलिस ने उसे रोक दिया। पुलिस ने उनसे मुख्यमंत्री का पुतला छीन लिया, फिर भी भाजपा कार्यकर्ताओं ने पुतले के कुछ अंश में आग लगा दी, जिसके बाद कुछ समय के लिए विनस मोड़ की स्थिति काफी तनावजनक हो गई थी। आज हमारे माननीय सांसद राजू बिष्ट जी भारत उद्देश्य निकले थे कलिंग में, एक जगह है 100 से 200 लोग हमला किया गया,
खुबरी चाकू और डंडे और पत्थर। मुझे कहने का मतलब है जब एक जनप्रतिनिधि जब बाहर जाता है इनका सुरक्षा का कोई हिसाब नहीं है, उस लोगों को जब कोई सुरक्षा बगल पुलिस नहीं दे पाती है आम लोगों को पुलिस क्या कर पाएगी। नंबर एक। नंबर दो, हमारे सांसद को जो बाहर जाना है ये सभी थाना को पता है तो बाहर जा रहे हैं, इनके बावजूद भी उनके सुरक्षा को ध्यान नहीं दिया जा रहा है। इसका मतलब है कि हमारे जितने भी कार्यकर्ता हैं एमपी सांसद है टीएमसी चाहती है उनको किसी तरह मरवा दे, लेकिन हम लोग कहते हैं ये कभी बर्दाश्त नहीं होगा, गणतंत्र हम लोग लेंगे बंगाल में। हम लोग बीजेपी के नेताओं के अनुसार बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे भाजपा का चेहरा। तृणमूल कांग्रेस बोली कोई फर्क नहीं पड़ता, राज्य में तृणमूल ही बनाएगी सरकार। 2021 में पश्चिम बंगाल के प्रस्तावित विधानसभा चुनाव में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ही भाजपा का चेहरा होंगे। भाजपा के आला नेताओं का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को ही सामने रखकर भाजपा विधानसभा चुनाव लड़ेगी। प्रदेश भाजपा अध्यक्ष दिलीप घोष का कहना है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को नई दिशा दी है और प्रधानमंत्री के नेतृत्व में देश और बंगाल का सर्वांगीण विकास हो रहा है। 2021 के चुनाव में बंगाल में परिवर्तन निश्चित है। दूसरी ओर शहरी विकास मामलों के मंत्री फिराद हकीम का कहना है कि भाजपा चाहे किसी का भी चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़े लेकिन राज्य में तृणमूल कांग्रेस की ही सरकार बनेगी। कश्मीर में सेना की बड़ी कामयाबी, जाकिर मूसा के वारिस हमीद लोन को सेना ने मार गिराया, इस साल बना था आतंक का सरगना। जम्मू कश्मीर में आतंकियों के नापाक मंसूबों को कुचलने के लिए भारतीय सेना आतंक के आकाओं का चुन चुन कर सफाया कर रही है। जाकिर मूसा के मारे जाने के बाद अलकायदा से जुड़े संगठन अंसार गजवत उल हिंद की कमान संभालने वाले आतंकी हामिद ललहारी यानी लोन को अब सेना ने मौत के घाट उतार दिया है। दरअसल ऑपरेशन ऑल आउट के तहत सेना की रणनीति है कि आतंकी कमांडर चुने जाने या चर्चा में आते ही जल्द से जल्द टॉप आतंकियों को खत्म कर दिया जाए। इसका असर भी दिख रहा है और आतंकी संगठनों के हौसले पस्त हुए हैं। मैसेज साफ साफ है कि फोन उठाने से पहले ही आतंक का सफाया। लेते हैं छोटा सा ब्रेक, फिर मिलेंगे ब्रेक के बाद। श्री श्री सार्वजनीन श्यामा पुजोर परिचालनाय रयेछे कांचनबाड़ी स्पोर्टिंग क्लाब, स्थान कांचनबाड़ी फुलबाड़ी हाट जलपाईगुड़ी। अगर सपनों का घर है बनाना तो वृंदावन मार्बल्स ही है ठिकाना। जी हाँ, अपने ग्राहकों की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उत्पादकों और सेवाओं की एक विस्तृत श्रृंखला वृंदावन मार्बल्स। घर के सजावट, सैनिटरी वेयर, बाथ फिटिंग से लेकर मार्बल्स, टाइल्स और ग्रेनाइट उत्पादकों की जरूरतों के लिए किफायती दामों में एक ही ठिकाना। मार्बल्स के मंदिर और मूर्तियों का भंडार इस क्षेत्र में और कहीं नहीं। वृंदावन मार्बल्स, ईस्टर्न बाईपास रोड, सिलीगुड़ी। कॉन्टेक्ट नंबर 9832832811। क्या आपके घर में शादी है, कोई फंक्शन तो होगा, तो उसकी वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी तो करवानी है। आज तकनीक दिनों दिन बदल रही है, कहीं गलत हाथों में मत पड़ जाइए। तरीका बदल गया है, आप भी बदलिए। याद रखिए सिडवेब्स ही आधुनिक तकनीकों के साथ अपडेट रहता है और आपके बजट के अनुसार ही वीडियोग्राफी और फोटोग्राफी करते हैं। आप सोच रहे होंगे ये सिडवेब्स क्या है। शादी हो या कोई फंक्शन, इन पलों को सजोने के लिए याद रखिए सोमानी इंस्टीट्यूट ऑफ डीजी विजन एंड प्रोडक्शंस। ब्रेक के बाद दर्शकों आपका फिर से स्वागत है। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कालिंपोंग सिंहजी मंदिर खोला झड़प कांड को लेकर सांसद राजू बिष्ट ने विनय गुट के समर्थकों के विरुद्ध थाने में एफआईआर दर्ज कराई है। एफआईआर के प्रमुख रूप में बीओए मेंबर संचबीर सुब्बा, मोर्चा केंद्रीय समिति सदस्य धेंडू प्लामा, युवा मोर्चा केंद्रीय सदस्य इमाम चामलिंग, जिला युवा अध्यक्ष विदुर राय, जिला महासचिव गायत्री मुखिया का नाम दिया गया है। इसके अंदर में लिखा है दो तो लीडर है ही, हम सब जानते हैं उनको, तो उन्होंने ही ऑर्डर दिया था। एक है संचबीर सुब्बा, रूबेन लेपचा, विदुर राय, विनय घिसिंग, भुवन खनाल, अमित बसनेत, इमेन लेमचा, कुणाल प्रधान, संतोष भुजेल, प्रोनाउंस करने में गलत हो तो बता देना, विक्रम छेत्री, डैनियल लेपचा, पंकज छेत्री, देनिस भुजेल, मिस गायत्री मुखिया, विनीता छेत्री, सेंदू प्लामा, कैलाश भुजेल, चेंगजो लेपचा,
रिबेन लेपचा, पास्कल लेपचा, राम सिदे लेपचा, कुंटू लेपचा, मदन तामाग, भीम बहादुर राय, संजय राय, विनोद राय, रवीन लेपचा, दिनेश भुजेल, अनित छेत्री, येदु लेपचा, विनोद भुजेल, राजेन भुजेल, पारस तामांग, ये क्या है, लेमेंट भुजेल, विकास तामांग, प्रकाश भुजेल, बाल कुमार भुजेल, ताराबीर भुजेल, मधु शिरिंग लेपचा, संगमित लेपचा, बीर बहादुर भुजेल, मारसिंग लेपचा, डोनल लेपचा, प्रेम दोरजे लेपचा, और उसके अलावा करीब 80 से 100 लोग और थे जिनको हम लोग नाम नहीं लिख पाए या बहुत सारे लोगों को हम जानते नहीं है, बट पुलिस के पास सब कुछ रिकॉर्ड है, ऑन रिकॉर्ड है, वीडियो फुटेज है, फ़ोटो की क्लिप्स हैं। अगर वो चाहें ईमानदारी से इस चीज़ की जांच करना वो कर सकते हैं। मेरी पुलिस से यही निवेदन है कि इस तरह की घटना नहीं घटनी चाहिए। प्रोटेस्ट आप कर सकते हो, लेकिन प्रोटेस्ट के नाम से किसी रिप्रेजेंटेटिव को, विधायक की, सांसद की आप हत्या करने की साजिश नहीं रख सकते। इनके ऊपर कड़ाई से जो है एक्शन होना चाहिए, और इस चीज़ को मैं यहाँ नहीं छोड़ूंगा, ये विषय मैं पार्लियामेंट में रखूँगा। प्रिविलेज कमेटी कहीं ना कहीं इसके लिए मैं आहत हुआ हूँ, ये मैं पार्लियामेंट के अंदर में भी ये विषय रखूँगा, उस कमेटी के अंदर में विषय रखूँगा। और मुझे दुख है कि एसपी और आईसी थाने में बैठे हैं, उसके बावजूद भी यह घटना घटी मात्र यहाँ से 1 घंटे की दूरी पे। सिक्किम के वरफांग जुंगरुंग स्थित चंद्रमान मेमोरियल का 22वां और 21वां दिन चाइल्ड एंड पेरेंट्स रिलेशनशिप मोटिवेशन प्रोग्राम CMRSS की सहयोगिता में हुई संपन्न। नोबेल पुरस्कार के लिए चिन्हित अभिजीत बैनर्जी का नेताजी सुभाष चंद्र बोस अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने पर हुआ शानदार स्वागत। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रतिष्ठित पुरस्कार के लिए चुने जाने की घोषणा के बाद पहली बार वे अपनी मां से मिलने मंगलवार शाम को कोलकाता पहुंचे। कोलकाता के मेयर फरीद हाकिम और राज्य सरकार के कई वरिष्ठ मंत्रियों ने उनका स्वागत किया। सभी क्षेत्र के लोगों ने बैनर्जी का स्वागत करने के लिए हवाई अड्डे पर पोस्टर, तस्वीरें और तख्तियां लेकर एकत्रित हुए थे। हवाई अड्डे पर उनके पहुंचते ही भारत का गर्व अभिजीत बैनर्जी के नारे से गुंजमान हो गया। व्यवसायी की हत्या के आरोपी को गिरफ्तार करने अपनी सुरक्षा की मांग में इस्लामपुर के व्यवसायियों ने एसपी को सौंपा ज्ञापन। আগস্ট মাসে আমাদের চেম্বার অফ কমার্স এসে আমাদের এসপি ইসলামপুরের সঙ্গে দেখা করেন, আমরাও 27 সেপ্টেম্বর ওনার সঙ্গে দেখা করি। আমরা মোটামুটি পুরো আসামিদেরকে ডিটেকশন করে নামটাও বলি, কিন্তু প্রশাসনে কোনো অ্যাক্টিভিটি হয়নি। ইয়ার ফলস্বরূপ গত 7 অক্টোবর দুর্গাপূজা নবমী দিন সেই ব্যবসায়ী নিজের দোকানে মারা হয়ে যাবে। এই যে আমরা যে নিরাপত্তায় ভুগছি। मालदा टाउन स्टेशन में जीआरपी की ओर से किया गया रक्तदान शिविर का आयोजन, 80 यूनिट रक्त किया गया एकत्रित। मालदा मेडिकल कॉलेज व अस्पताल समेत जिले के विभिन्न स्वास्थ्य केंद्रों में खून की भारी कमी के मद्देनजर मालदा टाउन स्टेशन के जीआरपी की ओर से मंगलवार को एक रक्तदान शिविर का आयोजन किया गया। मालदा टाउन स्टेशन परिसर में आयोजित रक्तदान शिविर में जीआरपीएफ अधिकारियों, कर्मचारियों से लेकर काफी संख्या में सिविक वॉलंटियर्स ने भी इसमें हिस्सा लिया। जेआरपी सूत्र के अनुसार आज रक्तदान शिविर में महिला व पुरुष मिलाकर करीब 80 लोगों ने अपना रक्तदान किए हैं। आज के আমাদের মালদা টাউন জিআরপি থানার পক্ষ থেকে ছোট করে একটা ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পেইন আয়োজন করা হয়েছে। ব্লাড যেটা আমাদের দৈনন্দিন জীবনে খুবই দরকারি, বিশেষ করে মানুষের বেঁচে থাকার জন্য, তো এরকম ছোটখাটো ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্প বিভিন্নভাবে প্রচারের উদ্দেশ্যকে সামনে রেখেই আমরাও একটা ছোট্ট করে ব্লাড ডোনেশন ক্যাম্পের আয়োজন করেছি আজকে। আর তো প্রত্যেকটা আমাদের স্টাফদের সহযোগিতায় প্লাস মালদা মেডিকেল কলেজ হসপিটাল এবং ব্লাড ব্যাংকের সহযোগিতায় আজকে আমাদের। উত্তর দিনাজপুর জেলে কে ইসলামপুর মে মঙ্গলবার দের রাত 2 লরিও কি ভিড়ন্ত মে 3 লোক গম্ভীর রূপ সে ঘায়ল হো গয়া হ্যায়। ইসলামপুর কে उपजिला थाना क्षेत्र में बिहार मोड़ के 31 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग पर इस घटना के बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। घटनास्थल पर इस्लामपुर थाने की पुलिस और दमकल के 2 इंजन पहुंचकर हालत को नियंत्रित किया।
पुलिस ने घायलों को इस्लामपुर महकुमा अस्पताल में भर्ती कराया। घटना के बाद राष्ट्रीय राजमार्ग पर कुछ देर तक यातायात बाधित रहा। बांस वाला गाड़ी और स्पीड में था, रोड के बीच में गड्ढा है, गड्ढे में उसका टायर गिरा है तो गाड़ी अनबैलेंस हो गया, अनकंट्रोल हो गया, गाड़ी आके उसमें मरा है। अखिल भारतीय तेरापद महिला मंडल की तरफ से प्लास्टिक मुक्त अभियान व सिंगल यूज प्लास्टिक के तहत मंगलवार को सिलीगुड़ी के SF रोड स्थित संस्था की महिलाओं के द्वारा एक नाटक कर लोगों में प्लास्टिक नहीं इस्तेमाल करने की जागरूकता फैलाई गई। दीपावली के लिए मिट्टी के दीपक त्योहार करने में जुटे पुराने मालदा के शाहपुर अंचल इलाके के दो दंपति, उनका मानना है कि वर्तमान युग भले ही चीन निर्मित लाइट्स के सामानों की अहमियत बड़ी हो, लेकिन अभी भी माँ की पूजा के लिए मिट्टी के दिए की जरूरत पड़ती है। पुराने मालदा के रसिलदा मंडल पाड़ा में 5 से 6 घरों की जीविका इसी पर निर्भर है। इसी तरह एक दंपति गौर चंद्रपाल और पोली पॉल पिछले 40 वर्षों से दही की हांडी, मिट्टी के कलश सहित ढेरों मिट्टी के सामान के अलावा दीपक भी तैयार करते आ रहे हैं। माटी पोदी बिक्री हो गई, हिंदू दिन माटी पोदी लागे, लाइट उठू बल्ब उठू चाइना बल्ब जो किसी उठुक ना क्या माटी पोदी लागे, माटी पोदी छाड़ा हिंदू दिन पुजो पुजो है ना, টুনি বাল্ব পুজো হয় না, টুনি বাল্ব পুজো ফ্যাসাঙের জন্য আমি 5-6 রকমের প্রদীপ তৈরি করি। পঞ্চ প্রদীপ, চারমুখ প্রদীপ, বড় প্রদীপ, মাঝারি প্রদীপ, ছোট প্রদীপ। তো ছোট প্রদীপ আমি এবার অর্ডার নিইনি, আমার ঘর ধুপছি এগুলো কালী পুজো বেশি জলে। কেন ছোট প্রদীপ কেন নিলেন না? তৈরি করার সমস্যা, আর বড় প্রদীপ আমি বেশি তৈরি করি। आज के लिए बस इतना ही, और विस्तृत खबरों के लिए देखते रहे SK Live। आपका समय, आपकी खबर। धन्यवाद।